हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो फैक्ट्री 11। सो अभी हमारे सामने खड़ी है वॉल्वो की तरफ से आने वाली एक न्यू लग्जरी सेगमेंट की कोच जिसका नाम है वॉल्वो 9600। ये 15 मीटर लॉन्ग है और जल्दी से मैं आपको इसका एक फर्स्ट लुक यहाँ पे दे देता हूँ। सो यहाँ पे हमें दिए गए हैं LED DRLs, यहाँ पे हेडलाइट्स, यहाँ पे फॉग लैंप्स, ग्लॉस फिनिश यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। अगेन यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे वॉल्वो का लोगो। फिफ्टीन मीटर लॉन्ग है ओवरऑल और ये एक लग्जरी सेगमेंट की कोच है। यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स, यहाँ से भी एक डोर ओपन होता है जो जाता है मॉड्यूलर किचन में। इसके अंदर हमें इनसाइड मॉड्यूलर किचन भी मिल जाता है। थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे, मैं आपको सब दिखाऊंगा। चलिए इसके अंदर चलते हैं। सो ये रहा इसका प्रीमियम बिजनेस क्लास कोच। यहाँ पे हमें एक छोटा मॉड्यूलर किचन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है। सो चलिए मैं आपको इसकी सीट्स दिखाता हूँ। सो ये है इसकी बिजनेस क्लास सीट्स, बहुत ही लग्जरी है। यहाँ पे सब हमें कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं फॉर रिक्लाइन एंड इनक्लाइन। को आप एडजस्ट करके लॉन्ग ही कंफर्टेबली सफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो मूवेबल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमें काफ़ी फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि ये मूवी है, मूवी मोड यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे गेम्स मोड, यहाँ पे मैप, और यहाँ पे हमें फूड ऑर्डर करना है तो यहाँ से हम फूड कर सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग दी गई है। अगेन यहाँ पे होम, बहुत ही प्रीमियम अच्छी चीज़ है। एकदम से फ्लैट करके हम यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पे लगेज स्पेस और यहाँ पे मूड लाइटिंग्स भी हमें ऑल ओवर देखने को मिल जाती हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे हमें एसी वेंट्स मिल जाते हैं, लाइट्स मिल जाती हैं और स्टॉप का इमरजेंसी के लिए कुछ भी यहाँ पे बटन है तो देखने को मिल जाता है। फिर ड्राइविंग एरिया है, यहाँ पे भी मूड लाइट देखने को मिल जाती है। कैसी लगी आपको ये वॉल्वो की तरफ से आने वाली ऑल न्यू 9600? कैसी लगी आपको बताएं कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।